दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप अपने फोन को रीसेट करते हैं तो उस टाइम आपके फोटोज और वीडियोज डिलीट हो जाते हैं, लेकिन आपको बाद में पछतावा होता है तो वो फोटोज वीडियोज कैसे वापस ला सकते हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। या आपने डिलीट कर दिया गलती से तो उस कंडीशन में भी आप ला सकते हैं। दो तीन तरीका होता है जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर दिखाता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपका आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट तरीका लोग बताते हैं, प्ले स्टोर में जाइएगा और बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं फोटोज रिकवरी का। बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं फोटो रिकवरी का। रिकवरी केवल आप डालेंगे तो रिकवरी के नाम से इतने ज़्यादा फोटोज मतलब एप्लीकेशंस मिल जाएंगे कि पूछिए मत। 10 बिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन लोग इस वीडियो पे जो बताते हैं वो वर्क नहीं करता है। तो इम्पोर्टेंट वर्क हमने सर्च किया तो जाना कि ये गूगल ही है जो आपके फोटो वीडियो को चुरा कर रखता है और बाद में आपको देता भी है। तो गूगल से अच्छा कोई नहीं है। तो गूगल में आपको सर्च करना है www.google.com। आपको जब आपका फ़ोन रिसेट हो जाए फिर से वही ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये सर्च करना है, अभी आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शंस मिलता है .. का 9 बिंदु। इस बिंदु पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि गूगल क्या क्या चुराता है। तो गूगल आपका छुपाता है और आपको देता भी है, जैसे कि कॉन्टैक्ट, जैसे ही क्लिक किए ये सारे कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। लाइव प्रूफ आप देखिएगा कि ये सारे कॉन्टैक्ट हमारा जो है सेव है, गूगल में सेव है। जब भी फ़ोन रिसेट होगा तब भी हमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब इस 3 बिंदु पर क्लिक किया और इसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शन सेव होते हैं। इस ऑप्शन में एक आता है फोटोज, ये गूगल का ही फोटोज है। इसको ध्यान से एक बार देखिएगा, चक्र जैसा है। ये गूगल का ही फोटोज है जो आपके फ़ोटो को ऑटोमेटिक सेव करता है, रखता है जो आपको पता नहीं है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मांगेगा, लेकिन यहाँ से डाउनलोड आपको प्ले स्टोर से गूगल फोटोज को कर लेना। ध्यान से देखिएगा, जब आप ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपको टर्न ऑन बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। बोलेगा कि क्या आपका फोटोज और वीडियोज HD क्वालिटी में हम सेव करेंगे और भविष्य में आप फोन रिसेट करेंगे डिलीट करेंगे तभी हम आपका बैकअप दे देंगे। तो टर्न ऑन बैकअप पे क्लिक करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, डन पे क्लिक करते हैं। अभी हमारा जो है बैकअप ले लिया गूगल ड्राइव गूगल फोटोज। अब हमको क्या करना है हम आपको बताते हैं कि गूगल ड्राइव गूगल फोटो पे क्लिक करने के बाद अब 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों यहाँ पे बैकअप का, और नीचे ऑप्शन मिलता है फोटो सेटिंग का। फोटो सेटिंग पे जाना है। फोटो सेटिंग पे जाने के बाद आपको बैकअप का जो ऊपर ऑप्शंस मिलता है इस बैकअप पे क्लिक करना है। बैकअप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से 735 MB से लेकर 15 GB तक ये जो है बैकअप हमारा सेव किया है और सेव कर लेगा। 735 MB का हमारा बैकअप सेव करेगा। तो मैनेज स्टोरेज बैकअप क्वालिटी भी देख सकते हैं नीचे, और नीचे बैकअप नेवर फोल्डर्स का ऑप्शन मिलता है। इस पे आपको क्लिक कर सबसे नीचे आपको सबको ऑन कर लेना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि बाय द वे आपका नहीं मिलता है फोटोज वीडियोज इसमें आप नहीं सेव किए हैं गलती से, तो दोबारा आपके साथ एक गलती ना हो, आप इस गूगल फोटोज में जाकर आप अपने सारे परमिशंस को यदि ऑन कर देते हैं तो जो भी फोटोज वीडियोज आप भविष्य में डिलीट करेंगे ये सारे फोटोज वीडियोज आपके ईमेल आईडी पे रिकवर हो जाएगा। तो ऑन करने का यही चांस है, यही तरीका है जो हमने आपको दिखा रखा है। तो ये काम आप जरूर करिएगा। अब यहाँ पे डाटा मांगता है तो आप अनलिमिटेड दे दीजिएगा। अनलिमिटेड दे देंगे तो ये अनलिमिटेड बैकअप लेगा। देख सकते हैं बैकअप वीडियोज और ओवर डाटा अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड जरूर देखिएगा। इस सेटिंग में जाकर ये सेटिंग आप जरूर कर लीजिएगा जिसकी मदद से आप अपने जितने भी फोटोज वीडियो डिलीट होगा सारा देखिए ऊपर बैकअप ले रहा है और ये बैकअप कर आपको दे देगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि यदि डिलीट हो गया तो क्या प्ले स्टोर मिलेगा? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो जितने भी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन से 100% वर्क नहीं करती है जितना कि आपका गूगल ड्राइव करता है। तो आपको ये बात को ध्यान देना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा।